हिंदुस्तान में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नासिक जिले के मालेगांव में अब तक बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में मालेगांव के लोगों का साथ दे रहे हैं वहां के डॉक्टर्स, नर्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट वहां के पुलिस कर्मी। दोस्तों, आपने सिंघम मूवी देखी होगी। सिंघम मूवी देखते वक्त आपके मन में एक बात आती है कि जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है क्या वो सच है? सच में ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं या नहीं? गाइस, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स या फिर मीडिया कर्मी उनका काम नहीं दिखा। तो आज हम आपको नासिक ग्रामीण की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरती सिंह जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे मालेगांव के लोगों की मदद की। तो गाइज, हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। मालेगांव में कोरोना से बाधित पुलिस ऑफिसर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नासिक ग्रामीण की एसपी आरती सिंह जी नासिक में अपने घर में रहकर भी मालेगांव की सिचुएशन हैंडल कर सकती थी, पर वो अपने पुलिस दल का मनोबल बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से मालेगांव में रहकर अपने पुलिस दल और मालेगांव के लोगों का धैर्य बढ़ाने में लगी हुई है। इसकी वजह से मालेगांव पुलिस इतनी बड़ी समस्याएं होकर भी कोरोना का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब लोग अपने अपने घर में हैं, खुश हैं, हर रोज कोई मूवीज देख रहे हैं या फिर कोई नई नई चीज़ें बनाकर खा रहे हैं। पर एक बार उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में सोचो जो दिन रात मई महीने के इस कड़ी धूप में सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ के बाहर कोरोना के खतरे को झेल रहे हैं। आरती जी को दो बेटियां हैं, एक 4 साल की और एक 9 साल की। आरती जी का बर्थडे और मदर्स डे एक ही दिन आता है, तो इस दिन उनकी दोनों बेटियों ने उनको घर आने के लिए आग्रह किया, पर उन्होंने अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए मालेगांव से ही सिर्फ वीडियो कॉल पर केक कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। गाइज, हमारे मम्मी पापा एक दिन के लिए ही कहीं चले जाए तो हम 10 बार उनको फोन करके पूछते हैं कि घर कब आओगे, पर पूरे भारत में महिला सिंघम आरती जी जैसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अपने फैमिली को छोड़ के, फैमिली से दूर रह के आपकी सेवा में लगे हैं। दोस्तों, रमजान का महीना है, मतलब त्यौहार का महीना है, पर लॉकडाउन की वजह से लोगों को 2 टाइम की रोटी के लिए घूमना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में आरती जी ने अपने साथी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल छेरिंग दोरजे जी और एडिशनल एसपी संदीप घुगे जी, इनके साथ मिलकर मालेगांव के हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान सेलिब्रेट करने के लिए 1000 से ऊपर परिवारों को मदद की, जिसमें हर परिवार में 1 किलो शक्कर, 1 किलो रवा, 1 किलो तूर की दाल, आधा किलो खजूर और 4 नहाने के साबुन, इन जैसी बहुत सारी चीज़ें हर एक परिवार को दी। ये सब देखने के बाद मालेगांव के सभी परिवारों ने आपका ये काम हमेशा याद रहेगा, हम लोग आपको दुआ में याद रखेंगे, ऐसी दुआएं आरती सिंह और नासिक और मालेगांव पुलिस फोर्स को दी। गरीबों को खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारी की तरफ से हमको बहुत सारा खाना, अनाज, पानी, बहुत सारी मदद मिल रही है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आगे चल के भी हमारी ऐसी मदद करें, हम गरीबों का ध्यान रखें, हमको अनाज पानी सब उनकी तरफ से आ रहा है। तो इतना सैक्रिफाइस करने के बाद पुलिस हमें सुरक्षा दे रही है और कुछ गिने चुने लोग पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। पुलिस वालों के इस महान कार्य के लिए हम हमेशा उनके साथ हैं और बैंटर विद चेतन की तरफ से हम उनको सलाम करते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल बैंटर विद चेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।